अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कार चौक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस एपिसोड में आपके लिए लेकर आया हूँ बड़ी खूबसूरत बाइक और बड़े खूबसूरत से हमारे जो है वो इस बाइक के ऑनर। आज का हमारा ऑनर रिव्यू होने लगा है जिस बाइक के ऊपर। इनसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद जो है बाइक के बारे में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं। एवन अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें हमारे के, इतनी प्यारी सवारी के ऊपर आप बैठे हैं, प्यारे भी लग रहे हैं और सवारी बहुत प्यारी लग रही है, क्या राज है? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। और सबसे पहले तो ये कि कहते हैं बाइकर्स नेवर गेट ओल्ड। यस, बाइकर जो है ये बूढ़ा कभी नहीं होता। और ये जो कैप आपने पहनी है उसकी निशानी बता रही है ये चीज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाइकर कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि देखिए बात ये है कि बाइकर जो है ना वो हमेशा एक आप घोड़े पे राइड कर रहे हैं, घोड़े के ऊपर बैठे होते हैं, ठीक है। हाँ, आप कार की तरह नहीं कि आप बैठे हुए हैं स्वस्थ और एक गर्म किस्म के जनाब कमरे में आप बैठे हुए हैं, चारों तरफ से लोहा है, 3 घंटे पर जब आप निकलते हैं आपसे आधा घंटा तो यूं करते रहते हैं। सही बात है, बाइकर हमेशा हर वक्त अलर्ट बैठा रहता है, वो एक घोड़े को चला रहा है, right। उसकी नजर भी सड़क के ऊपर है, ठीक है जनाब अली। उसके बाद जरा सा अगर कोई पत्थर आ गया, बाइक यूं हुआ तो गया, राइट। उसने हाथों से भी कंट्रोल किया हुआ है, पांव से भी कंट्रोल किया हुआ है, कमर भी उसकी अकड़ी हुई है। सही है। अच्छा खालिद भाई, देखते बाइक आपका माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, ठीक है जी, क्या राज है? ये मुझे रुमाल आपने इसके ऊपर रैंडमली रखा, आपने इसकी केयर नहीं किया, मतलब चीजें बिखरी बिखरी हैं, इसके क्या राज है? जी बिल्कुल, मैं बताता हूं। ये मेरे पास एक जो है ना जी फलस्तीनी रुमाल, जिसे हम पैलेस्टीनियन रुमाल बोलते हैं, ये मैंने एक शौक से रखा हुआ है। ओके, ये इसलिए कि हम और हमारे हुक्मरान और लीडर तो फलस्तीन के लिए कुछ नहीं कर सके, तो कम से कम इतना है कि हम इजारे यकजहती के तौर पे एक रुमाल रख लें, ठीक है। तो इसी बहाने उनकी याद रहेगी हमारे दिलों में और उनके उनके लिए दुआएं निकलती रहेगी। बिल्कुल सही। तो मैं जहाँ पे भी राइड पे जाता हूँ इसको मैं साथ ना लहराता रहता हूँ, ठीक है, ताकि जो भी देखे तो उसे याद एक ताजा और वो भी जो है वो देख के जो है वो दुआएं शुआ कर सके, सीन के लिए दुआ तो कर सके, ठीक हो गया। अच्छा आते हैं बाइक की तरफ, तो खालिद भाई बाइक के बारे में बताइएगा। माशाल्लाह हार्ली डेविडसन की तरह आ रहा है, ये हार्ली डेविडसन है या कोई और बाइक है? नहीं, ये हार्ले नहीं है, ये यामा है, ठीक है, और यामा के है ये ड्रैग स्टार, ठीक है। 1100 सीसी है, ये 1100 का मतलब है देखिए आपके इसका स्विफ्ट से बड़ा इंजन है, जबरदस्त। तो पेट्रोल की तबाही तो ये करता है क्योंकि कार्बोरेटर है, ये ईएफआई नहीं होता तो काफी कार्बोरेटर वाला है, ठीक हो गया। इसमें ये यामा ड्रैग स्टार है, इसमें ना ये है बेसिकली दो मॉडल आते हैं, एक जो है वो वी स्ट्रॉम के नाम से आता है, सही है, और एक ड्रैग स्टार के नाम से। ड्रैग स्टार क्या आता है? दोनों 1100 सीसी है, इसमें एक इनका छोटा जो आता है इसी शेप में, हाँ जी, वो 650 सीसी। अच्छा तो ये कौन सा वेरिएंट है आपके, जो आपने दो वेरिएंट्स बताए उसमें कौन सा वेरिएंट है? ये क्लासिक वेरिएंट है, ये क्लासिक वेरिएंट है, इसमें ये बैक लगे हुए होती हैं, ठीक है, और इसकी लुक जो है इस तरह ये लंबी सी होती है, पीछे ये इसका टेक देने के लिए, हाँ जी। और जो सबसे मजे की बात है वो लोग मुझे कहते हैं आप फायर ब्रिगेड से हैं, मैंने कहा नहीं यार, फायर ब्रिगेड से ये बेसिकली जो चॉपर होते हैं, ये चॉपर के हेलमेट जी, टाइप ये सिर्फ रोड्स के लिए होता है, इसकी जो है क्लियरेंस रोड से टोटल 4 इंच है, ठीक है। तो जितने भी चॉपर हैं उनके लिए ये वाला बाइक इस्तेमाल, और है भी डॉट अप्रूव, नॉर्मल इसको आप मत समझें, ये बड़ा अच्छी क्वालिटी का हेलमेट है और ये आपको बहुत कम मिलता है, अगर मिलेगा भी तो काफी करें। तो मैं आपको बताऊं, ये चेक करें कि ये डॉट सर्टिफाइड जो है वो है और इस वक्त ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। हाँ, ये काफी एक्सपेंसिव, ठीक हो गया, बहुत एक्सपेंसिव है ये, ठीक है। अच्छा इसके टैंक का मैं देख रहा हूँ, काफी खूबसूरत इसका टैंक है, तो इसके बारे में खालिद भाई क्या कहते हैं आपके, कितने लीटर इसका टैंक है? टैंक इसका है जी 17 लीटर टैंक है, ठीक है, इसमें दो 15 लीटर भी आता है, 17 भी लीटर आता है, ठीक है, दो तीन वेरिएंट इसका 17 लीटर है, और ये अच्छा हमें एवरेज तकरीबन 15 to 20 किलोमीटर पर लीटर एवरेज दे देता है, कि डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना थ्रॉटल जो है ना आरपीएम कितना रखा हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि जब से हमने वीडियो शुरू की है, रिव्यू शुरू की है, आपका बाइक से जो लविंग है वो चीज़ बता रही है कि आप अभी उठे नहीं हो उसे, तो मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा उठ के लोगों को जरा बाइक दिखाएँ भी और प्रैक्टिकली तौर पर बताएँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें जो है वो मिल जाती है आपको। जी इसका आप शुरू देखें, अगर ब्रेक देखें तो आगे ये डुअल सिलेंडर, एक और दो डुअल सिलेंडर डिस्क ब्रेक है ये, ठीक है। अच्छा एजाज इसमें यह कि इसके चूंकि अलॉय रिम नहीं है तो ये ट्यूब वाला टायर है, ट्यूबलेस नहीं है, ठीक है, ये ट्यूब पड़ती है, तो इसमें होता है कि अगर पंचर हो जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ जी, इसमें ऑप्शन वगैरह है कि ट्यूबलेस आप इसको नहीं कर सके? इसमें चॉपर में जो है ना ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन ऑप्शन नहीं, और मेरे ख्याल से खालिद भाई इतने बड़े टायर होने के बावजूद वो छोटी मोटी चीजें वगैरह ऐसी जो है वो नहीं होती होंगी, इसको इफेक्ट नहीं करती होंगी। अभी मैं इससे बड़ा लंबा टूर करके आये हूँ, हम गए थे 2 दिन के लिए, ऑफ रोडिंग भी तकरीबन थोड़ी सी की जी, तो कोई ये अल्हम्दुलिल्लाह पंचर नहीं होता। जी मैं वो देख रहा था कि उनके साथ हम लोगों ने टूरिंग की अभी रिसेंटली कश्मीर की, और पता ही नहीं चल रहा था इस बाइक का जितना वजन
वजन है तो उस हिसाब से जिस तरह इन्होंने कंट्रोल किया, क्योंकि ओल्ड मैन इज गोल्ड मैन। तो इसका वेट कितना है खालिद भाई? इसका जो है वेट, ड्राई वेट जो है वो 385 kg, ठीक है, 385 किलो। लेकिन अगर इसके ऊपर आप सामान लोड कर दें, इसका फ्यूल टैंक भरा दे, हाँ जी, और बंदा बैठा हो तो तकरीबन 400 और 425 किलो। 425 किलो की मशीन को हैंडल जब आप पहाड़ों में कंट्रोल कर रहे होते हैं तो आपको अच्छे भले मसल चाहिए होते हैं। मैं तो चूंकि रेगुलरली बॉडी बिल्डिंग और जिम भी करता हूँ और एक्सरसाइज योगा, वरना आम आदमी जो है ना वो इसको, क्योंकि मैं भी बैठा था एक दफा, मैंने ट्राई ली थी पिक्चर लेके और मैं इसको उठाने की कोशिश कर रहा था, मैं मुझे यूं वो करके इसको उठा रहा था। तो ये इनकी बहादुरी है और इनकी हिम्मत है जिस तरह बता रहे हैं कि जिम शिम करके इसको करते हैं। अच्छा, ये कितने सिलेंडर है? ये दो सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ से 550 ये है, 550 ये, ठीक है, दो सिलेंडर है, दो प्लग लगते हैं, ये वी सिलेंडर है इसको बोलते हैं, जिस तरह V6 है, V8 जिस तरह V शेप है। दरमियान में खाली देगी क्या चीज है, फिल्टर का ये बॉक्स है? जी, ये एयर फिल्टर है, बड़ा सिंपल, ऐसे कोने तो एयर फिल्टर निकल आएगा, ठीक है, यहाँ पे एयर फिल्टर लग जाता है, लेकिन इसके थोड़े स्पेयर पार्ट महंगे है, बाहर से मंगाने पड़ते हैं, चाइना से, ठीक है, या दुबई से, चूंकि ये रेयर है, इतने पाकिस्तान में कम है ये, ठीक है। अच्छा, ये खाली भी तो आपने तो मशीन तो रखी हुई है, जरा इसके बारे में मुझे बताएं कि आपको किस तरह मिली और आपको क्या शौक पड़ा, इससे पहले भी आपने कोई बाइक रखा हुआ था? पाकिस्तान में हर लड़का जो होता है वो बाइकर है, बिल्कुल सही है, अगर वो कोई वजीर है, अगर वो कोई सेक्रेटरी है, अगर वो कोई गरीब है, दिहाड़ी है, मजदूर वाला है, वेल्डर है, बाइक उसने इस्तेमाल करना ही, जर्नैल है, उसने भी लेफ्टिनी में कप्तानी में मोटरसाइकिल चलाया होगा, ठीक हो गया। तो कई लोग जो है ना, मतलब बाइकर सब होते हैं पाकिस्तान में, सब लड़के बाइकर, पॉइंटेड बात है ये काफी ज्यादा, हर बंदा बाइकर होता है। फिर जब आप ऐसा ऐसा बूढ़े होते हैं, थोड़ा यंग एज में, मतलब 40-50-60 में, कोई लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोगों को अपनी बचपन की याद आती है तो फिर वो बाइकर बन जाते। सही बात है। तो आपने भी, मैं आठवीं से आपने किया है? मैं आठवीं से बाइकिंग में था, तो बाइक मेरा पहला कावासाकी था, GTO 100 कावासाकी, राइट, वो 9000 का लिया था। मतलब आपने ओल्ड मशीन के साथ आपको लविंग है, आजकल की जो नए होंडा CB 150 ये से आपको, आप कहते हैं जरा परे परे हो जाओ, ये परे परे हो, ठीक हो, आपने देखे ना अभी आप लोग आए इंटरव्यू करने, ग्रेटफुल टू यू, तो आपको कुछ अट्रैक्शन नजर आई है तो आप आए, ठीक, हाँ जी। अच्छा, जब फ्यूल के बारे में बताइएगा, फ्यूल कंजम्पशन क्या करती है, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन है, शौक है आपका, तो जरी बातें लग रहा है जो बिगनर्स है जो परचेस करना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जी। ये थोड़ा फ्यूल पे हैवी इसलिए कि 1100 cc, जैसे मैंने बताया स्विफ्ट से बड़ा इंजन है, बिल्कुल, तो ये तकरीबन ना 15-20 किलोमीटर करते एक लीटर में करते, एक लीटर, और नॉर्मल पेट्रोल रिकमेंडेड या हाई ऑक्टेन भी नहीं? हाई ऑक्टेन तो इसमें नहीं डालते, इसका रिकमेंडेड क्योंकि कार्बोरेटर वाला EFI नहीं, ये अच्छा, तो इसमें नॉर्मल पेट्रोल आता है, तो हीटिंग वगैरह इशू इसमें तो नहीं होता, वैसे तो इंजन इसका काफी बड़ा है, लेकिन जो पीछे वाला सिलेंडर है या पीछे वाला जो हिस्सा है 550-560 कह रहे थे, ये काफी इसके एयर का मसला नहीं आता होगा? इसमें गर्मियों में आपको हीट फील होती है थाइस के ऊपर, घुटनों के ऊपर, यहाँ, लेकिन सर्दियों में आपके लिए फिर बेनिफिट है क्योंकि आपकी टांगे बिल्कुल गर्म है। सर्दी में तो मेरे लिए हीटर होता है ना, सर्दी में तो आपको बड़ा मजा आता है। अच्छा, क्यों इसकी स्पेशल एक बात, कोई इस तरह की मुश्किल जो है आपको आई हो, ये बहुत ही आप 3 सालों में, क्योंकि आप बता रहे थे कि 3 साल हो गए आपको परचेस किए हुए, तो कुछ इस तरह की चीज जो आपको कहते हो यार मुझे काफी मुश्किल हुआ इसके साथ? नहीं, इसमें कोई मेंटेनेंस और किसी स्पेयर पार्ट की कोई मुश्किल नहीं हुई, हर चीज इजीली मिल जाती है, अवेलेबल है पाकिस्तान में एक एक चीज मेंटेनेंस के लिहाज से। जी, आप अलीबाबा से मंगा सकते हैं, दुबई से मंगा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली देखें, इसका एयर फिल्टर चाहिए होता है, आपको इंजन ऑयल का फिल्टर चाहिए होता है, ठीक है, फ्यूल फिल्टर, सही है, ये तीनों चीजें आपको चाहिए होती हैं, और बाकी हैवी बाइक जो इनके इंजन मजबूत होते हैं, इनके इंजन मेंटेनेंस मांगते नहीं है इतनी ज्यादा, बस आप जो है ऑयल टाइम टू टाइम चेंज कराएं, फिल्टर चेंज कराएं और बस चलाते हैं। और इसका ऑयल जो है ना, एक ऑयल चेंज कराएं तो वो 10,000 किलोमीटर चलता है। 10,000 किलोमीटर, तो कौन सा रिकमेंडेड है, आप कौन सा इस्तेमाल करें? इसका एम्स कंपनी का है, वो उसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी जर्मनी का स्पेसिफिकेशन लंबी है मुझे, ठीक है, तो वो जबान याद नहीं है, ठीक है, वो भी नेट से चेक करके मैं करता हूँ, तो उसमें ये है कि वो डलवाए ना आप, हाँ जी है, तो वो कॉस्टली तकरीबन लेकिन 10,000 किलोमीटर करते हैं। वो बस जहर सी बात है, उसमें तो पता ही नहीं चलता होगा, जैसे आप क्रूज करते हैं, क्योंकि अभी हम इसके थ्रॉटल शॉट आप जरा चेक करें कि जिस तरह मैंने थ्रॉटल शॉट दिया तो मिनटों के अंदर बल्कि सेकंड्स के अंदर ये गायब हो गए और आगे जाके ये रुके हुए और हम लोग आराम से पीछे से आए और खड़े होकर देख रहे थे, हाँ भाई किधर। अच्छा, खालिद भी कहते हैं, और इसके अलावा इसके अगर बैक पे आ जाए तो बैक में क्या क्या जो है कंपनी ने दिया है, आपने इसमें कुछ चेंजेस कराई हैं? नहीं, ये अपने आए हैं, ओरिजिनल आए थे, ठीक है, यामा के तो नहीं है लेकिन बाद में किसी ने लिखाया होगा, तो ये 20 लीटर केस में है तकरीबन, ठीक है, 20 लीटर की कैपेसिटी थे,
तो 40 टू 50 लीटर में इसमें सामान जो है वो आ जाता है। ठीक है, और सीट के नीचे इसकी अगर टूल किट वगैरह हो तो वो कहाँ पे कंपनी ने दी है? सीट वो इसके सीट के नीचे एक छोटी सी टूल किट है, यहाँ पे बैटरी है यहाँ पे, ओके। और इस सीट को हटा के आप यहाँ पे भी एक बैग लगा सकते, बड़ा कर सकते हैं, मतलब सिंगल पर्सन के लिए जी। वो उसमें आपको एक फायदा होगा कि आपके लिए जो है वो टेक शेक वगैरह में जाएगी। अच्छा खालिद भाई, इसकी टॉप स्पीड, क्योंकि हमारे जो लड़के हैं उनको काफी ज्यादा शौकीन होती है कि यार इतना बड़ा इंजन है तो ये तो निकलती है, इसकी कितनी टॉप स्पीड है, कितने सेकंड में कितने तक जाती है ये? दूसरे गियर में विद इन 3 सेकंड जो है ना वो 100 किलोमीटर में पहुंच जाती है विद इन टू दूसरे गियर में 3-4 सेकंड में। और ये चूंकि अभी जब इस पे ये माइल्स में स्पीड इसकी, हाँ जी, तो अराउंड 220 किलोमीटर का है, लेकिन 120 से ऊपर जो है ना जब आप चलाते हैं तो आपका पांव पीछे 120 से ज्यादा, वो डेफिनेटली आप नॉर्मल उस पे कपड़ों में पहन के इसको आप चला भी नहीं सकते। अच्छा, इसको चलाने के लिए कोई खास शर्तें हैं, मतलब कोई क्लोथ वगैरह, कोई शूज वगैरह, तो उसके बारे में हमारे जो गाइडर्स हैं उनको बताएं, क्योंकि आजकल मैंने जो अपने यंग जनरेशन, आपने देखा होगा वो मुसलसल मैंने देखा है बहुत अक्सर सड़कों पे, हैवी बाइक्स पे जो है चप्पलें पहनी होती हैं, ऊपर जो है वो शर्ट वगैरह पहन के, ना सेफ्टी गियर्स हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। इर्तिज़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया और आई मस्ट अप्रिशिएट यू, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। बाइकर को बाइक जो है इसको कहते हैं नेकेड सवारी, यानी कि एक नंगी सवारी है। यस, आपकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, राइट। आप गिरे तो आपके हाथ मुंह कंधे लगने ही लगने, राइट। तो बाइकर चाहे आम आप चला रहे हैं, हेलमेट तो मस्ट, हेलमेट एंड ग्लव्स, ठीक है। देखिए जब भी आप गिरते हैं आप मुंह तो नहीं लगाते, सबसे पहले आपके हाथ और आपके हाथ लगते हैं। यस, तो बाइकर के हाथ जो है ना ये छिल जाते हैं, इसलिए ग्लव्स, अच्छे ग्लव्स लाजमी है, ठीक है। हेलमेट लाजमी है, ये दो चीजें तो हमेशा, चाहे आप CD70 चला रहे हैं, चाहे आप कोई भी चला रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है कि आप जब टूर पे जाते हैं या कहीं आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो जैकेट होनी चाहिए, जैसी मैंने पहनी हुई है। हाँ जी, इसकी ये प्रोटेक्शन लगी हुई है, ये प्रोटेक्शन लगी हुई है, पीछे प्रोटेक्शन लगी हुई है। यस, ठीक हो गया। और बूट आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। मतलब बूट वगैरह जरूरी है उसके लिए, मतलब इस राइड के लिए? तो लॉन्ग जॉगर्स वगैरह नहीं, इस राइड के लिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ बिल्कुल जी, इसका प्रोटोकॉल है, देखे ना, इसके प्योर लेदर के 100% लेदर के शूज होने चाहिए। हाँ जी, जीन्स होने चाहिए, जैकेट होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए और हेलमेट होना चाहिए। और जब आप बाइक से उतर जाए तो उसके बाद ये जो है वो हॉर्स कैप होनी चाहिए। हेट जाना ये एक साइड पे आपका जरूरी है। हाँ जी, उसके बगैर बाइक का मजा नहीं है। स्टाइलिश बाइक है तो हाँ जी, ग्लासेस हो और इसके साथ वो सब चीजें। अच्छा कल भी एंड पे जो बात करते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा पूछते हैं यार, क्योंकि वैली ऑफ मनी जो है वो बाइक तो है लेकिन जो है वो इसकी कोई कीमत नहीं है, तो इसकी वैसे ही कितने प्राइस में रिलाय करती है? जब आपने लिया था तब कितने का लिया था? ये साथ अभी नया जो आ रहा है ना वो आई गेस नया, तो अभी ये इस तरह के 1998 में इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई थी, ठीक है, और 2008 में खत्म हो गई थी, ठीक है। तो जो 2008 में बने थे ना लास्ट, उनको हम नया इसलिए बोलते हैं कि लास्ट वही बने थे, उसके बाद तो बने नहीं है, ठीक है। तो वो तकरीबन सवा करोड़ का अच्छा बाइक है। अभी ये जो है ये 2.5 मिलियन तकरीबन 25-30 लाख के दरमियान, 25-30 लाख। मैं बेचना तो नहीं है, एक बायर आया था तो वो उसने रन इस तरह देख लिया, नंबर देख आया तो वो उसने 20 लाख की ऑफर की थी, लेकिन वो बस शौक से रखा हमने, तकरीबन 2 साल पुरानी बात है। वही बात है कि वैल्यू ऑफ मनी की तो है नहीं, बाद में बंदा 10 दफा सोचता है, जब चीज निकल जाती है फिर बंदा कहता है यार ये चीज है, ठीक हो गया। तो अच्छा खालिद भाई, आप कार चौक के जो हमारा चैनल है, ठीक है, आप उसे सेटिस्फाई हैं, आपको कैसा लगा हमारा से मिलके और किस तरह थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं? वेरी नाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कार चौक का इंतजार, थैंक यू वेरी मच, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम निकाला उन्हें रिव्यू के लिए, और मैंने शुक्रिया ने टूर भी किया हुआ, माशा अल्लाह वेरी गुड गाय, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, और बाकी भी जो इस्लामाबाद राइडर्स क्लब के मेम्बर हैं तमाम वो भी देख रहे होंगे, तो हेलो एंड सलाम टू ऑल ऑफ यू। और कार चौक का बहुत अच्छा इनका मीडिया कवरेज और इनकी चैनल और इनकी जो जितनी भी रिकॉर्डिंग प्रोफेशनलिज्म, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, हमारा इंटरेक्शन रहेगा और फिर वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू खालिद, बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, तो ये था आज का हमारा ऑनर रिव्यू वीडियो, आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कार चौक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, देखते रहिए कार चौक। थैंक यू कार चौक।